नाजरीन ड्रामा सीरियल मैं की अगले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि मुबशरा जहां पर बहुत ज्यादा परेशान होगी कि आयरा के वजह से और उसके भाई की बेवकूफी की वजह से जैद वहां पर बहुत ज्यादा उससे दूर हो चुका है। मुबशरा इस बारे में आसिफ साहब से भी डिस्कस करेगी कि किस तरह से आयरा और रियान की वजह से उसके और जैद के दरमियान रंजिश आ गई है। आसिफ साहब से बात करने के बाद मुबशरा को यकीन हो जाएगा कि आयरा और रियान में और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भाई झूठ बोल रहा है। अगरचे मुबशरा के आयरा के साथ बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं क्योंकि वो उसकी सौतन है, वो इस बात की वजह से जैद के साथ झगड़ा भी करेगी, लेकिन जब उसको इस बात का यकीन हो जाएगा कि सारे मामले में आयरा का कोई भी कसूर नहीं है, वो बेकसूर है, तो उसके बाद वो जैद को सारे मामले में परेशान देखेगी कि वो सच का पता लगवा सके, तो वो खुद उसके बाद जाकर जैद को बता देगी कि असल माजरा क्या है। आयरा की मदद से जैद को फुटेजेस हासिल हो जाएंगी जिससे उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से उसके बाप ने उसकी बीवी आयरा को अपनी कैद में रखा। वो सारे मामले का पता चलने के बाद अपने बाप को कन्फर्ट करेगा और उससे पूछेगा कि आखिरकार उसने ये सारा काम क्यों किया। आसिफ साहब पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारा मामला एक मरतबा फिर से आयरा के ऊपर डाल सके और इस मामले में से साफ साफ बच निकले, लेकिन इस मरतबा उनका बचना तकरीबन नामुमकिन होगा। आसिफ साहब चाहे जितने भी जस्टिफिकेशन देते फिरे लेकिन किसी भी तौर पर ये चीज जस्टिफाइबल नहीं है कि उनकी बहू की इज्जत पर किसी ने हाथ उठाया और वो इस सारे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जायद आसिफ साहब से ये भी सवाल करेगा कि आखिरकार वो किस तरह से अपनी बेटी को घर बसाने के नाम पर एक जानवर के साथ रहने दे रहे हैं। एक मरतबा फिर से आसिफ साहब पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारे मामले को जैद को इमोशनली ब्लैक किया जाए कि दिल से वो ना सोचे बल्कि दिमाग से सोचे, लेकिन जैद जानता है कि वो उसकी बहन का घर जो है तकरीबन बर्बाद हो ही चुका है और इस मरतबा जैद आसिफ साहब की किसी बातों में नहीं आने वाला, ना ही उसे किसी रिश्ते की परवाह होने वाली है और इस मरतबा आयरा की वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से जैद घर छोड़कर चला जाएगा। मुबशरा भी यहाँ पर सच का साथ देते हुए है क्योंकि वो जैद से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग गई है और उसको वो परेशान नहीं देख सकती, इसलिए वो जैद की मदद करेगी कि वो उन सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच सके जिससे उसे सजाई का इल्म हो। हालांकि इन सारी बातों का नतीजा मुबशरा के हक में नहीं निकलने वाला क्योंकि जैद घर छोड़कर चला जाएगा और वो आयरा के पास जाएगा या नहीं ये मुबशरा के इल्म में नहीं होगा, और वैसे भी अगर वो आयरा से मिलने के लिए जाता भी है तो आयरा उससे मिलने के लिए तैयार नहीं होने वाली, लेकिन सारी बातों को जानने के बावजूद भी वो जैद का साथ देगी। जैद के घर छोड़ जाने के बाद और आसिफ साहब का बुरी तरह से एक्सपोज हो जाने के बाद आसिफ साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो किस तरह से इस घर पर अपनी बादशाहत को बरकरार रख सके। आसिफ साहब किसी तरह से अपनी बेटी से नजर मिला सकते हैं ये जानते हुए भी कि उन्होंने अपने ही दामाद का इतनी घनौनी हरकत में साथ देने की कोशिश की, और देखना ये होगा कि जब जैद घर छोड़कर चला जाएगा तो क्या मुबशरा अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर जैद के साथ जाएगी या नहीं, ये तो आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।